ब्लॉग फिर से एक दिन की शुरुआत आज लेके आए हम सामने दो महिंद्रा बोलेरो, लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस आज हमने इससे काफी अच्छी ऑफरोडिंग करी है, पूरे ग्राउंड में भी वो रील्स में डालूंगा और बाकी मैं तो आपको गाड़ी चेक करा दूं एक बार, मतलब कैसे गंदी हुई है गाड़ी और टायर तो हमारे अपने ही बड़े, और मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी। ये देखो गाइस, दीज आर टू बोलेरोज अपनी SLE और ZLX 2018-2017। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसकी प्रोफाइल चेक करो टायर की, यह है 265R16 80 टायर है गाइस, अपोलो एपेट्रा का। और आ जाते हैं यहाँ पे इसके बैक प्रोफाइल की तरफ, अभी देखो मट स्लैब अभी भी गंदा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे अभी फन कर रहे थे ना गाइस थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पे मट फ्लैम हो गया पूरा गंदा अपना। और ये देखो गंदगी है यहाँ तक पूरी गाइस, मतलब ये जो आगे वाला, जब भी गाड़ी चलती है तो जब फ्लक्चुएट करता है ना टायर पीछे को, तो ये पूरा गंदा आता है यहाँ तक। जो ऑफ रोड वाले होंगे ना तो पहले से पता होगा। अब बैक प्रोफाइल में आ जाते हैं, अभी देखो। और गाइस गाड़ी में कुछ काम नहीं गया है, बस पट्टा बड़ा है, कमानी पट्टा बड़ा है एक, और रिम तो वही है 16 इंची। और पीछे से भी देखो गाइस 4943। और इसी में आ जाते हैं गाइस अपनी इस वाली गाड़ी में, तो वाली गाड़ी गाइस आपको लिफ्ट लग रही होगी थोड़ी, बिकॉज इसमें लगाया अभी केरियल। अभी इससे भी फन करे, देखो निशान दियो, इससे भी फन करा अभी खूब। अब आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल में ये भी गंदी हो रखी, ये देखो साइड प्रोफाइल में ये भी गंदी हो रखी है पूरी, और फ्रंट प्रोफाइल में देखो ये देखें। सो गाइस इसकी इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं, सबसे पहले तो ये मैट्स ग्रीन वाले नहीं आते, ये वाले नॉर्मल आते हैं मैट्स। उसके बाद आ जाते हैं गाइस इसके डैशबोर्ड में, जो कि नॉर्मल कलर में आ जाता है, देखो ब्राउनिश ब्राउनिश नहीं आता इसमें। और इसमें आफ्टर मार्केट गाइस ये इंस्टॉल हुआ है म्यूजिक सिस्टम, इसमें कंपनी से नहीं आता, बस इसमें स्टॉक गाड़ी आती है गाइस, व्हील कैप आता है, अलॉय व्हील, व्हील कवर कुछ नहीं आता इसमें, व्हील कवर भी बाहर से परचेज करने पड़ते हैं इसके, गाड़ी के साथ नहीं आते बेस मॉडल में। एंड देन उसके बाद आ जाते हैं पीछे, पीछे का इसमें देखो काफ़ी स्पेस है, ये देखो अभी सामान पड़ा है इसमें, और सीट कवर अभी बदलवाने के हो रहे हैं गाइस, ये 2 साल हो गए हैं इसे लगे लगे। और पीछे भी मैट आ जाते हैं अपने अले ग्रीन जो ये लगवाए हैं पीछे, ये अपना चैनल। और आ जाते डिग्गी में, अब देखो गाइस डिग्गी में इतना स्पेस है इसमें, क्या मतलब कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो अगर इसमें बेस ट्यूब नहीं है, अभी तो सिंपल स्टॉक रखी है, बेस ट्यूब उतार रखी है। जैसे आप अगर इसमें सिंगल हो तो आराम से लेट के जा सकते हो, दो बंदे भी जा सकते हो, और अगर बेस ट्यूब हुई तो एक ही जो है इसमें जा सकता है, क्योंकि बेस ट्यूब स्पेस घेर ली तो 12 इंची है, तो गाइस ये सीट फोल्ड होके पूरी आ जाती है बेस ट्यूब यहाँ पे। एंड देन आपको अब ZLX का कराते हैं चेक, अब ZLX का दिखाते हैं आपको अंदर से इंटीरियर, लॉक रखिए। अब ZLX का इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से गाइस, सीट कवर हो रखे हैं ये देखो डुअल टोन में दोनों, और इसमें गाइस कंपनी फिटेड ये स्टीरियो आता है, इसमें इनबिल्ट आता है मेरा कंपनी से ना, तो इसमें और डैशबोर्ड सेम वैसा है जैसी अपनी गाड़ी का है वैसे इस वाली का है, और पीछे भी लगभग गाइस पूरी गाड़ी सेम है, और बस इसमें पावर विंडो आ जाती है, हमारी गाड़ी में पावर विंडो नहीं आती, इसमें पावर विंडो आ जाती है, और महिंद्रा की बैचिंग दो मिलती है देखने के लिए, और यहाँ सेंसर लगे हैं इसमें गाइस, वो तो उसमें भी, पर इसमें एक्स्ट्रा भी रहते हैं, और इसमें सेंटर लॉकिंग भी आती है अपने वाले में, सेंटर लॉकिंग नहीं आती कंपनी से। और देखो आ जाता है फ्रंट प्रोफाइल में दोबारा, गाइस दोनों गाड़ी आती है 7 सीटर में ZL, और गाइस पूरा सेम इंजन है M-Hawk, खाली इसमें फर्क पता है टॉप मॉडल और बेस मॉडल में क्या होता है गाइस, एक तो होता है देखो पावर विंडो का और सेंटर लॉकिंग का, पावर विंडो इसमें यहाँ बैचिंग है इसमें नहीं है, इसमें आफ्टर मार्केट गाइस ये लगे हैं, और आफ्टर मार्केट लगा सकते थे मैं इसमें पावर विंडो पर, नहीं अभी नहीं लगाई, छिड़वाई नहीं वायरिंग, वो बार बार शॉर्ट होती है क्योंकि ना, रिकमेंडेड तो नहीं है वैसे, अगर लगाओगे तो अच्छी जगह से लगवाना आप लोग भी। इसमें गाइस ओनली लगी है सेंटर लॉकिंग, वो भी लगी है गाइस स्कॉर्पियो, वो ओरिजिनल लगी है गाइस, 4 साल लगी थी वो। और अब देखो इसमें लाइटिंग लगाई है बाकी तो, और तो कुछ नहीं है, और याली लगाई है, ब्लू लाइट है इसमें, बहुत तेज चलती है अभी ये देखो। और बाकी गाइस पूरी गाड़ी 7 सीटर है, कोई फर्क नहीं है। और अपनी टॉप वेरियंट में गाइस आ जाते हैं इसमें स्टिकर्स, बेस मॉडल में नहीं है, टॉप वेरियंट में आ जाते हैं स्टिकर्स, दिखाता हूँ आपको ये देखो टॉप वेरिएंट पे आ जाते हैं स्पीकर्स, और स्पीकर जो आते हैं इसमें अंदर वही आते हैं पाइनियर के जो कंपनी से आते हैं ना, मैं दिखा देता हूँ। और उसकी बैचिंग होती है गाइस यहाँ पे, ये देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आ जाते हैं यहाँ, और अपने वाले में भी स्पेस है, बाहर से लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट पर, हमने तो बेस्ट ट्यूब लगा रही थी अभी उतारी है, और इसमें लगाया केरियल, बाकी क्रोम लगी दोनों गाड़ियों में, इसकी फ्रंट ग्रिल चेंज है, और नीचे बोलेरो की बैचिंग है, और अपनी तो गाइस स्टॉक ग्रिल के ऊपर क्रोम ग्रिल लगी है अली,
ये था कंपेयर। अभी गाड़ी अपनी जानी है वर्कशॉप, बिकॉज अभी सर्विस भी करानी है इसकी और एक दो काम और मांग रही है फ्यूल के, बिकॉज जब ऑफ रोड में चलती है ना अंदर ही है तो ये काम मांगती है सारी। ये लीजिए जो आ गया है ना ZLX 5959, ये भी काम मांग रही है बिकॉज ऑफ फन। देखो गाइस फन देखो, ये देखो गाइस ऐसे हमारे फन रहते ना तो काम हमारे थोड़े ऐसे ऑफ रोड वाले। पर ये गाइस हम ना रोड पे नहीं करते, ये प्लॉट है खाली यहाँ पे करते हैं, कोई नहीं हमारे लामा यहाँ पे। अब दोनों गाड़ी जा रही है वर्कशॉप बिकॉज आज बहुत फन हो गया है, और एक की सर्विस करानी है एक की ब्रेकिंग करानी है। हट जा वहाँ से, ये देखो फन देखो, ये देखो गाइस पीछे का टायर देखो, ये देखो। तो इसमें गाइस क्या होता है जो सस्पेंशन होते हैं ना तो वो थोड़े आवाज करने लग जाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो दोनों गाड़ियों की सर्विस होगी, ऑयल चेंज होंगे, सस्पेंशन का देखते हैं क्या काम है, और बाकी अब अपनी वाली में अब मैं भी चलाता हूँ थोड़ा, तो मेरी भी अब स्लोमो चेक करें। सो गाइस अब इसकी दोबारा टेस्ट ड्राइव लेते हैं, अब इसको तो घुमाएंगे नहीं बिकॉज गाइस पता है क्यों नहीं घुमाते, रीजन है इसके टायर थोड़े मोटे हैं चौड़े हैं तो इसमें बैरिंग होता है वो बोल रहा था। अब लेके चलते गाइस इसे, आप स्लोमो सिनेमैटिक चेक करें, बंद करके स्लोमो बना। नचा लेते ना थोड़ी बहुत सस्पेंशन तो काम मांगते हैं। देखो ऑब्वियसली बात है, देखो ये नाचते गाइस डांसिंग बोलेरो भी बोल सकते हैं हम। टायर देखो ये ला, भाई फसा दे गए आज सीजर है कितना गंदा हो रहा। चल बस 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 पत्थर रख के होता, पत्थर रख के हैंड ब्रेक लगा दे। पत्थर रख जा, पत्थर लगा पड़ा। ओ फोटो खींच में, ओ फोटो खींच में, ओ फोटो खींच में, फोटो खींच ना, वीडियो बना दे इसकी। जा कहीं नहीं रहे, यहाँ पर ये गाड़ियों का रिव्यू कर रहे थे तो यहाँ प्लॉट में पीछे बगल वाले में सब बोल रहे थे कि वो थार भी लेके। अरे वो कोई बात नहीं, आ जा फिर, आ जा तब फिर ठीक है। अब उधर ही जाके बना पार्क में
पे रुक जा अभी और आगे ले आप बना बस रुक जा अब बना क्या नहीं क्या कर चल कर छोड़ मत अब ले ले पीछे